हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे यू विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इम्परेटिव, सो यू विल स्टे विथ अस टिल द एंड। फ्रेंड्स, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस को वॉइस में परिवर्तन करेंगे। इससे पहले मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आपको नॉलेज दिया है। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इम्परेटिव वाले सेंटेंस यानी इम्परेटिव वाले वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए, यानी कि प्रारंभ में हम लेट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके पश्चात हम बी और पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रेंड्स, लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इसी स्ट्रक्चर साथ हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, यानी राइट ए लेटर, यानी कि एक पत्र लिखो। यहाँ पर देखेंगे एक पत्र लिखो, यानी कि इसका हम पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे लेट, यानी कि स्टार्ट में हम लेट का प्रयोग करेंगे, यानी कि लेट, और फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का यहाँ कौन काम कर रहा है, ए लेटर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी लेट के बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, बी, यानी कि आपका लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब उसके बाद यूज करेंगे हम बी। और फिर उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि राइट, राइट मीन्स लिखना, ये हमारा मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में हमेशा हम पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा रिटेन, राइट का रिटेन हो जाएगा, यानी कि लेट ए, लेट ए लेटर, बी रिटेन। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट्स। सम अदर्स एग्जाम्पल्स, जैसे हम और कोई एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पोस्ट दिस लेटर, यानी कि इस पत्र को पोस्ट करो। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि दिस लेटर यहाँ पर क्या है, यानी दिस लेटर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और पोस्ट यानी कि यह हमारा मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी इसको हम इम्परेटिव में सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में यानी कि चेंज करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट में हम लेट यूज करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, लेट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर में देखेंगे द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस लेटर, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा दिस लेटर। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, यानी कि प्लस बी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लेट दिस लेटर बी। और फिर पोस्ट, यानी कि इसका मेन वर्ब हमेशा हम मेन वर्ब में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा पोस्टेड, यानी लेटर दिस, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस, टेल हिम टू वेट, यानी कि यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, टेल हिम टू वेट, यानी उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहो, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके इम्परेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि स्टार्ट में हम क्या रखेंगे, लेट, लेट, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, हिम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिम। फिर उसके बाद हम बी लगाएंगे कि बी, और हमारा टेल, टेल का हमारा थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे टोल्ड टू वेट, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे फ्रेंड्स, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, यानी कि इसका हम इम्परेटिव में चेंज करेंगे, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट में हम क्या रखेंगे, लेट, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा लेट, यहाँ पर देखेंगे लेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द डोर, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे द डोर, द डोर, द डोर। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी। फिर हम यहाँ पर देखेंगे ओपन हमारा क्या है, मेन वर्ब, यानी कि हमेशा हम मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ओपेंड, यानी लेट द डोर बी ओपेंड, यानी दरवाज़ा खुला रहने दो। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस,
कॉल द सर्वेंट कि नौकर को बुलाओ। यानी कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे स्टार्ट में, आपको लेट, या लेट हो गया। फिर उसके बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा द सर्वेंट, द सर्वेंट। फिर उसके बाद हम क्या लाएंगे, बी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि कॉल्ड, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉल्ड, यानी नौकर को बुलाया जाए। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डू नॉट किल्ड द बर्ड, यानी पक्षी को मत मारो। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा इंपरेटिव वाले सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी नकारात्मक आ गया है। देन इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका जान लेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ आपको ऐसा सेंटेंस मिला डू नॉट किल द बर्ड, यानी कि डू के साथ नॉट, देन इसको हम लेट से स्टार्ट करेंगे लेट। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बर्ड, हमारा द बर्ड ऑब्जेक्ट है। यानी लेट द बर्ड, द बर्ड। फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट बी, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉट बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यह क्या है, किल, किल, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। हमेशा हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा किल्ड, यानी कि लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। नेक्स्ट इज आवर सेंटेंस डू नॉट एब्यूज राम, राम को गाली मत दो। यानी कि यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यानी डू नॉट आपका आ गया है, यानी कि इसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से। और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा राम, लेट राम। फिर उसके बाद हम क्या लाएंगे, नॉट बी, स्ट्रक्चर में देखते चलेंगे नॉट बी। फिर उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा एब्यूज्ड, लेट राम, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। नेक्स्ट इज आवर सेंटेंस डू नॉट किल द बर्ड, यानी कि चिड़िया को मत मारो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द बर्ड, द बर्ड। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट बी, नॉट बी। फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। एक ही सेंटेंस दो बार आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट टेल ए लाई, यानी कि यहाँ पर देखेंगे टेल ए लाई, यानी कि इसको हम लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लाई, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ए लाई। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, नॉट बी, नॉट बी। और फिर उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पर टेल, टेल को हम थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा टोल्ड, लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। नेक्स्ट इज आवर सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फ्रेंड प्लीज़ गो टू स्कूल। यानी कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस आपको आ जाए, जैसे हम कि यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ गो टू स्कूल, यानी रिक्वेस्टेड में है। यहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड टू का, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जैसे हम मान लेंगे फ्रेंड्स कि आपसे कोई बोल दे प्लीज़ सीट डाउन, कृपया यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। यानी कि इस सेंटेंस को कैसे मैं, यू आर ऑर्डर्ड, यानी कि आपको कोई बोल दे नेवर टीच द प्यू, तो यानी कि गरीबों को कभी मत छेड़ो, यानी एडवाइज आपको दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ एडवाइज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई बोलते हैं प्लीज़ लिसन टू मी, यानी कि क्या है, रिक्वेस्ट आपसे किया जाए, कृपया मेरी बात सुनो, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस है प्लीज़ गो टू स्कूल, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्कूल जाओ, तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, यहाँ पर सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड।
यहाँ पर आपको हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, स्कूल यू आर रिक्वेस्टेड गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस प्लीज गिव हिम ए बुक, यानी कि यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया मुझे अपनी किताब दो, यानी कि यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ किस कैसे बनाएंगे, यू आर, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड टू गिव गिव हिम ए बुक, गिव हिम ए बुक। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ओवे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि सड़कों के नियमों का पालन करें, यानी कि क्या है यहाँ पर आपको एडवाइज्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड यानी कि यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे एडवाइज्ड टू ओवे, ओवे द रूल्स, द रूल्स ऑफ द रोड, रोड। सो आई होप यू मस्ट हैव फाउंड टूडेज वीडियो यूजफुल, सो इफ यू हैव गॉट सम नॉलेज फ्रॉम आवर वीडियो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब इट विथ ए लाइक। थैंक यू।